पटाखा है यार, मतलब वो तो बहुत बहुत एनर्जेटिक लड़की है और अच्छी दोस्ती हमारी बहुत अच्छी बनती है। हमें डांस वांस करना बहुत पसंद है। निमृत भी है, और निमृत को मैं एक दो बार मिली हूँ, बट शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल। बहुत ही ब्रेनी है, बहुत प्रिटी है। सबसे पहले तो सुरमल के अंदर जो लव फॉर लाइफ है वो, क्योंकि वो एक अच्छी आर्टिस्ट है तो एक्सप्रेस करने से कभी नहीं डरती। उल्का, आपके और सुमुल के स्टार परिवार में हमने जुगलबंदी काफी अच्छी देखी थी। अभी वो बिग बॉस में जाके तबाही तो मचाई रही था, आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जानती हूँ कि वो लड़की जो है वो पटाखा है यार, मतलब वो तो बहुत बहुत एनर्जेटिक लड़की है और अच्छी दोस्ती हमारी बहुत अच्छी बनती है। हमें डांस वांस करना बहुत पसंद है, खेलना मस्ती करना कोई भी गेम हो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी बिग बॉस गई है, और क्योंकि जैसे उसका एमबी सीरियल एंड हुआ, मैं थोड़ी नॉस्टैल्जिक हो रही थी कि अपने कब जाऊंगे इनके सेट पे। हम दोनों एक दूसरे के सेट पे आते रहते थे, तो अब कहाँ जाना होगा। मैं ऐसे बिग बॉस मिलने थोड़ी चली जाऊँगी उससे, जैसे कि मुझे जानू मिली वो वहाँ से नहीं आ पाएगी। बट अब मेरे लिए मुझे उसके कुछ एपिसोड्स देखने हैं बिग बॉस के, और तबाही तो मचा रही है वो लड़की। आई एम श्योर, मैं आशा करती हूँ कि वो जीत जाए। ऐसे मेरी, मैं गौतम को भी जानती हूँ, गौतम भी है शो में। आई एम ऑल्सो होपिंग कि यू नो सब अच्छा हो सके। निमृत भी है, और निमृत को मैं एक दो बार मिली हूँ, बट शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल। बहुत ही ब्रेनी है, बहुत प्रिटी है, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है यार, एंड शी स्पीक्स सो वेल। सो दीज आर माई रियली नाइस गुड फ्रेंड, एंड आई होप दैट दे मेक इट टू द एंड। तो अगर आपको चांस मिलता है कि आप जाके एक दिन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री ले, तो एक दिन के लिए ना? हाँ, एक दिन के लिए तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, बट क्योंकि मुझे इन लोगों से मिला सुम्बुल से खास करके, और अच्छा लगेगा, क्यों नहीं। अच्छा, सुम्बुल के अंदर ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज है जो उन्हें विनर बनाती है? सुम्बुल के अंदर ना, सबसे पहले तो सुम्बुल के अंदर जो लव फॉर लाइफ है वो, क्योंकि वो एक अच्छी आर्टिस्ट है तो एक्सप्रेस करने से कभी नहीं डरती। चाहे हमेशा जैसे उसने कोई रैप जो उसके डैड ने लिखी थी तो उसने एक्सप्रेस किया, सलमान सर के सामने उनकी मिमिक्री की, तो एज एन आर्टिस्ट वो बहुत अच्छी है, खुली है। शी इज़ ऑलवेज लर्निंग, दैट इज़ अ क्वालिटी। थर्ड, कोई बात अगर दिल पे भी लेती तो वो ना पर्सनल रिलेशनशिप्स संभालना अच्छे से जानती है और करती है, और बहुत प्यारा नेचर, अच्छी दोस्त है, सब उसे पसंद करते हैं, क्यों नहीं। तो वो एक क्वालिटी है जिसके वजह से वो डेफिनेटली जीतेगी। चौथी, शी स्पीक्स हर माइंड, शी विल होल्ड हर ओपिनियन। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका ओपिनियन होता है और बिना किसी को ठेस पहुँचाए वो उसे होल्ड करती है, और आगे देखा जाएगा ना। शी इज़ यंग यार, 19 साल की है, और कई चीज़ें सीखनी है उसे, तो अल्टीमेटली बिग बॉस का एक्सपीरियंस उसे सिखाएगा भी। शी विल मोल्ड इनटू अ बेटर पर्सन, एंड शी ऑलरेडी इज, आई जस्ट होप शी बिकम्स इवन नाइसर। इस घर में वो सबसे छोटी कंटेस्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। क्यों जी, उम्र, एज, जस्ट यू नो एज से क्या होता है, बट स्टिल आई एम ग्लैड, आई थिंक शी गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो अच्छा है उसके लिए, गुड दैट शी स्टार्टेड इट। I only wish the best for her. So, and I hope she really enjoys it. आपने अब तक एक भी एपिसोड देखे? नहीं, कुछ क्लिप्स देखे हैं ऑनेस्टली, यहाँ पे मुझे टाइम ही नहीं मिला है, काफ़ी हेक्टिक शूट चल रहा है हमारा, रोज अचानक स्क्रिप्ट आ रहा है मुझे, जब भी एक्चुअली मेरा पैकअप हो जाना चाहिए था, बट मेरी स्क्रिप्ट की वजह से रुकी हुई, या सो थिंग्स लाइक दैट। बट कोशिश करूँगी जैसे छुट्टी मिलेगी एक दिन तो मैं अच्छे से इसके सारे एपिसोड्स देखूँगी, ताकि आई एम इन टच। पता चला उसने मुझे, माँ से मुझे बुलाया, किसी ने पूछा कि कैसा चल रहा है, कि क्या कहना चाहते हो, तो मैं क्या कहूँगी इसलिए, बट सॉरी सुम्बुल, अगर तुम बाद में कभी इंटरव्यू देखती है तो मुझे माफ़ कर दी। मैं कल उन्होंने काफ़ी अच्छा रैप गाया था, सभी का दिल उन्होंने जीत लिया। अभी